मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से कौन नावाकिफ है? मैं समझता हूँ वो न सिर्फ ये कि सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर थे, बल्कि खुरासान से लेकर इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका के सहाराओं तक बसने वाले और वहाँ से लेकर न्यूयॉर्क तक बसने वाले मुसलमानों के कायद, मुसलमानों के रहबर और मुसलमानों के रहनुमा थे। तो मैं कहने में हक बजानिब हूँ, वो ना सिर्फ ये कि जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर, बल्कि वो कायद मिल्लत इस्लामिया थे। लेकिन दरिंदों ने बहुत ही बेदर्दी के साथ उन्हें शहीद किया। आज की ये कॉन्फ्रेंस अल्लामा शोएब नदीम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत से मुआनमन है, लेकिन हमारी तारीख शुहदा के खून से ऐसी रंगीन है कि किस किस शहीद का तस्करा किया जाए। अगर हम यूँ कॉन्फ्रेंसें करना शुरू कर दें तो साल में कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हमारे किसी शहीद की तारीख रकम ना हो। यकीनन हमारे शुहदा की बहुत बड़ी किताब और बहुत बड़ी दास्तान है। याद रखिए कि इस्लाम शहीदों के टुकड़ों पे पलता है, इस्लाम शुहदा के खून पे फलता और फूलता है। हमारे सामने एक शहीद के बेटे तशरीफ़ फरमा है और हम जिस शख्स को आज खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं, वो शख्स अपनी जवानी के आलम में अमीर अजीमत के मौक़िफ़ को लेकर, उनकी इकदामी न सिर्फ ये के दिफाई और मदहा की पॉलिसियों को लेकर, बल्कि इकदाम और जारहियत की पॉलिसी को लेकर वो शख्स अपना लहू पेश करके हजरत जंगवी के साथ उसने अपनी वफा का सबूत दिया था, हजरत फारूकी के साथ उसने अपनी वफा का सबूत दिया था, हजरत ईसार के साथ उसने अपनी वफा का सबूत दिया था। ये कोई मामूली लोग नहीं होते जो अल्लाह के रास्ते में खून देते हैं, ऐसे लोग खाल खाल पैदा होते हैं। खैर, मादियत का दौर है, तबाबियत का दौर है, दज्जालियत का दौर है, और इस दौर में अहले हक का कत्लेआम किया जाएगा, अहले हक की गर्दनें काटी जाएंगी, अहले हक का लहू गिरेगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, हमने सहाबा की तारीख को जिंदा करना है, हमने ताबईन की तारीख को जिंदा करना है, 1400 साल के अहले हक की तारीख को जिंदा करना है। अगर हमें अपनी जान का नजराना नजराना देकर, अगर शरीयत की बका की जंग लड़नी पड़ी, अगर हमें अपनी जान का नजराना पेश करके इस्लाम के बका की जंग लड़नी पड़ी, तो याद रखिए हम किसी लम्हे में भी इस चीज से दरेर नहीं करेंगे। बस आखिर में इतनी ही बात कहता हूँ, मौलाना आजम तारिक को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ, मौलाना शोएब नदीम को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ, अल्लामा शोएब नदीम को भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ, और इतनी बात कहता हूँ, हम अमन व अमां के खूगर हैं, इंसाफ हमारी आदत है, सच्चाई हमारा शेवा है, हक गोई हमारी फितरत है, मकतल भी हमारा कहवारा, जिंदा भी हमारा मस्कन है, हम राह वफा में सर अपना कटा देंगे, सारे आलम में रोशन है। सहर की खुशियाँ मनाने वालों, सहर के तेवर बता रहे हैं, अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी कि सांस लेना अजाब होगा। सुकून तो सहरा पे बसने वालों, जरा ऋतु के मिजाज समझो, आज का मौसम सही गुजरा तो कल का मौसम खराब होगा। कुछ लोग बिछा कर कांटों को गुलशन की तवक को रखते हैं, शोलों को हवाएं दे देकर सावन की तवक को रखते हैं। बस इतना कहता हूँ, शराबे इश्क नहीं बदली पर जाम बदलते रहते हैं, शराबे इश्क नहीं बदली पर जाम बदलते रहते हैं। सदा हक का अलम लहराता है, सदा हक का अलम लहराता है, पर अफराद बदलते रहते हैं। अब आपके साथ में तशरीफ लाते हैं कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फरजंद अर्जुमंद मौलाना हामिदुल हक्कानी साहब, वो आपके साथ में अपने ख्याल